5 लाख रुपए का इनाम है। घी तेल साबित करने वाले को पूरी इंडिया घूम लेना अगर आपको ऐसे छोले कोई बना के दिखा दे। चैलेंज है, पंजाब वालों को भी चैलेंज है जी। तो आपको तो 5 लाख का घाटा हो जाएगा। घाटा मंजूर है, लेकिन आप साबित तो करो। जो उसके साथ भी आएगा उसको भी 5 लाख देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक भीगा कुलचा हमारा फेमस है, तवे वाले भटूरे हैं जो पंजाब में लुच्ची बोलते हैं, जो हमारा फेमस हो गया है ज्यादा, तंदूरी कुलचा। पहले 1 लाख का नाम रखा था तो कोई लेने नहीं आया, तो मैंने कहा चल कोई 5 लाख का कर देते हैं, शायद कोई आ जाए लेने। तो इसलिए हमने घी तेल हमारे छोलों में नहीं होता 1% भी। और इसकी खास बात यह है कि सुबह 7 बजे लेकर अब तक ये फुल गर्म है, कोई गर्म नहीं किया है, बिना गर्म किए गर्म है। भाई ये तो मुझे आपने अमृतसर की याद दिला दी, ये ऐसा लग रहा है मेरे को अमृतसर आपने वापस भेज दिया। ये कुलचा मार्केट से खरीदा है? ब्रेड का कुलचा होता है, ये मार्केट से ही आता है, अपने हिसाब से बनाते हैं। ये भीगा कुलचा, ये चला गया इसके अंदर, इसको लगते हैं सिर्फ 2 मिनट। हमारे दादा दादा से चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा जी, मैं भी उनसे सीखा हूँ बचपन से। ये हमारी भीगे कुलचे की पैकिंग कंटेनर के अंदर, पूरी इंडिया घूम लेना अगर आपको ऐसे छोले कोई बना के दिखा देगा। सर दिल्ली की बाहर से काफी लोग आते हैं, मुझे कॉल करके भी आते हैं, नोएडा से आ रहे हैं, वही नोएडा से आते हैं, कोई बॉम्बे से भी आता है। सर अभी आपको हम तंदूरी कुलचा दिखाते हैं कि कैसे स्टफिंग इसमें की जाती है। ये लहर इतनी सारी होती है। अच्छा, ये सारी लेयरिंग जो उसमें डली हुई है, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम है जी, अभी तो क्वालिटी बनती है इसकी। आप स्टफिंग देना, ये प्याज है, मैंने आपको बताया कि प्याज के बिना भी है प्याज वाले। इसमें ऊपर से क्या मिलाया जा रहा है? ये आलू थोड़े गीले ना हो। अपने फादर के साथ रहा हूँ, पापा कहते हैं पढ़ लो या फिर काम कर लो, फिर हमें काम ही चूज किया। ये इसकी आप स्टफिंग देखें, इसमें मैदे की लहर कम होती है, स्टफिंग ज्यादा होती है। 100% आपको बताया है, हेल्दी और कहीं मिलेगा अपने आपको चैलेंज। इसे लेकिन बेलन से नहीं करते, हाथ से ही करते हैं जी। हाथ से सिर्फ प्रेस करते हैं ना, फटे ना, बेलन से नहीं करते सर इसको। बेलन से फट सकता है? फट सकता है, प्योर अमूल बटर है सर। अमूल से नीचे बात नहीं होगी? नहीं जी, अमूल के नीचे से बात हो ही नहीं सकती, हमारा काम चलता रहेगा, प्योर अमूल बटर मिलेगा। बंदे को मक्खन लगा रहे हैं वो तो मैंने सुना था, कुलचे को मक्खन लगा रहे हैं? हम कुलचे को मक्खन लगाते जी, आगे से पीछे से 100% क्रिस्पी। अरे वाह, बिल्कुल क्रिस्पी। मुझे लिटरली नहीं लग रहा आपके हाथ में कुलचा, मुझे लग रहा है आपके हाथ में ना आपने पापड़ रखा हुआ कहीं पे छुपा के। वही पापड़ नहीं है जी, प्योर है। इसके अंदर देखो आप स्टफिंग इतनी ज्यादा है। ये हमारे आगे इसके साथ छोले गर्मा गर्म, सिरके वाले प्याज, मूली, इसका प्राइस है 160। जो पंजाबी लोग इंडिया में खा चुके हैं मेरे पास, अब वो बाहर चले गए हैं तो वो भी मंगवाते हैं। और ये 20 घंटे तक मैंने चैलेंज दिया है, फ्रेश रहते हैं, ये तवे पे सेकते हैं। इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 90। ये हमारा 100% तवे वाले भटूरे लुच्ची। तो भाई ये छोले आ गए, प्याज आ गया, हरी चटनी आ गई। ऑप्शन चटनी के दोनों है, एक तो हरी चटनी है जो प्याज लहसुन के बिना होती है, और एक होती चटनी प्याज वाली। आप किसी का भी ऑप्शन रख सकते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं, आप समझ लो आप घर पे ही खा रहे। जो इतनी सारी दुकान है और बहुत जगह मैंने देखा है कि प्यारे लाल है, दाम रखने से होता कुछ, क्वालिटी बनाने से भी पता लगता है। पीने के लिए हमारे पास है सॉल्टेड छाछ, ये भी आपको इतनी अच्छी लगेगी आप कहोगे यार वाकई दिल्ली में ऐसी छाछ मिलती नहीं। हमारे पास है केसर लस्सी, और ये हमारी पान फ्लेवर लस्सी, और ये है मैंगो लस्सी। ये आपका बीघा 2 मिनट हो गए हैं, ये आपका बीघा रेडी होने वाला है। कुछ भाई बस, इसका क्या रेट है? इसका प्राइस 80 रुपए, 80 रुपीज। हमने कोशिश ये की है कि हेल्दी खाना खिलाएं। ये आपको हमारा बीघा कुलचा। तो भाई सबसे पहले जो मेरी प्लेट है ना, ये है हमारा तंदूरी कुलचा, ये है हमारे पंजाब साइड वाली चटनी, यहाँ पर मिलेगा रायता, और ये है भाई छोले बिना लहसुन प्याज और घी तेल के, ये छोले होते हैं। ये हमारा भीगा कुलचा तवा भटूरा, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, 90 रुपए इसकी प्लेट रहती है। सबसे पहले जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ भीगा कुलचा को, भाई जो कुलचा था ना वो कहाँ गया मुझे पता नहीं चला, मुंह में जाते एकदम खुल गया, उसके अंदर जो मसाले थे ना एकदम से अच्छे से रज बस गए थे, मजेदार है, मजा आ गया खाने में। तवा भटूरा ट्राई करने वाली, इसके अंदर आलू अजवाइन की फिलिंग होती है। तो भाई ये देखो, ये छोलों के साथ ट्राई करती हूँ, एकदम मजेदार टेस्ट है, अल्टीमेट है। एंड में है ये भटूरा जिसको हम यहाँ पे बटर के साथ ट्राई करेंगे, ये इतना क्रिस्पी है ना, क्रिस्प वाली फीलिंग दे रहा है। इसको भी मैं ट्राई करूंगी छोले के साथ, इतना ज्यादा क्रिस्पी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया, प्यारे लाल अमृतसरी। तो मैं यहाँ पे पान लस्सी ट्राई करने जा रही हूँ। यार लस्सी मैंने बहुत जगह पी है, लेकिन इसको पी के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लस्सी भी पी है और पान भी खा लिया। और ये है हमारी मैंगो, अल्टीमेट मजा आ गया यार। इसके लिए खाने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है प्यारे लाल अमृतसरी, सुभाष नगर प्यारे लाल अमृतसरी। मैं यहाँ पे सबको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो हमारी तरह खाते रहिए, खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए।